क्या बात है विजय? तुम्हारी हंसी कुछ कह रही है, कुछ खास बात है क्या अखबार में? हाँ यार, बात तो खास। अच्छा, क्या? गोवा के लिए हॉलिडे पैकेज है, दो लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में दो दिन रहना, आना जाना सब। वाह, मगर उनकी एक शर्त है यार। शर्त? वो क्या? वो ये कि ये पैकेज जो है वो शादीशुदा लोगों के लिए नहीं आया, प्रेमी और प्रेमिका के लिए। ओ हो। और अगर किसी के पास प्रेमी या प्रेमिका ना हो तो? अरे, मतलब हमारा ये शादीशुदा फ्रेडी जी ये जा नहीं सकते? अरे नहीं यार, ये ऑफर फ्रेडी के लिए है ही नहीं, शादीशुदा है यार। मगर अभिजीत, अक्सर ये अखबार में ना ये पैकेज बेचने के लिए कुछ भी छाप देते हैं, हकीकत में ऐसा होता नहीं। नहीं नहीं दया यार, क्या बात कर रहे हो, ये देखो एक से एक ऑफर है यार। कभी कभी हम लोगों को भी घूमने जाना चाहिए। अरे मेरे मुंह की बात छीन ली सर आपने, मैं बड़ी देर से यही बताने की कोशिश कर रहा था। लोग क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे छुट्टियां मनाने कहां कहां जाते हैं सर, एक हमें कि हमेशा लाशों के फेरे में ही पड़े रहते हैं। क्या कह दिया तुमने? सीआईडी में रहकर तुमने छुट्टी की बात की? ये एसीपी साहब से कहना तुम, मैं तो निकला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। क्या हो रहा है फ्रेडी? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे फिर किसने कहा? हा? क्या कह रहे थे तुम फ्रेडी? सर ये कह रहा था कि नए साल की छुट्टियां चाहिए और सबको सबको बोल रहा था कि घूमने जाना चाहिए। अरे मैंने ऐसा कब बोला सर? छुट्टियां चाहिए तुम्हें? नए साल की छुट्टी चाहिए? तुम्हें तो परमानेंट छुट्टी की जरूरत है फ्रेडी, और मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। वैसे फ्रेडी की बात में दम है सर, कभी कभी हम लोगों को भी घूमने जाना चाहिए सर, एक आध दिन मुर्दों से दूर रहने से कोई नुकसान नहीं होगा सर। हाँ सर, इस टाइम पे मेरे गांव में बहुत बढ़िया मौसम है सर, आप चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्यों भाई, कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? अरे डॉक्टर साहब, ये फ्रेडी छुट्टियों में हम लोगों को अपने गांव लेके जा रहा है। ओह रियली? हाँ। क्या फ्रेडी, हाँ वाकई? मैं तो तैयार हूँ सर, मगर एसीपी साहब हाँ कहेंगे तब न... अरे बस लोगों की इच्छा है तो चलो ना, चलते हैं यार। क्या चलो ना, चलते हैं यार। है? छुट्टियां मनाओगे तो काम कौन करेगा इधर? अरे कभी भी कहीं से भी बुरी खबर आती है, कोई फोन आ जाता है। अरे बॉस, बुरी खबर आएगी तो हम लोग दौड़ के वापस आ जाएंगे ना यार। बुरी खबर आएगी तो दौड़ के वापस आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? जैसे ही कोई बुरी खबर आए या कोई फोन आए तो उसी वक्त छुट्टी कैंसिल, समझे? सब लोग वापस आ जाएंगे। पक्का? एब्सोल्युटली बिल्कुल। क्यों भाई, प्रॉमिस? चलो फ्रेडी के गांव चलते हैं। That's it. चलो चलो चलो, अब जल्दी 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 दूर जाना है। चलो तरुण के पैसे दे दे। अरे फिर पैसे दे दो। Excuse me? क्या? अरे बाप रे, ऐसा भाई।
तो कहीं जा रहे तो कुछ भूल गए? हाँ भूल गया, लंबा रास्ता है, वेफर्स लेने जा रहा हूँ, बाद में बैठ के खाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? एक मिनट आ रहा हूँ। ये अभिजीत कहाँ गया है? श्रेडी ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया। क्या मतलब? अगर आपको पता चलेगा तो शायद आपको बुरा लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? नहीं, अभिजीत ने तारिका के लिए अपनी बगल वाली सीट रिजर्व करके रखी थी, फ्रेडी बीच में आके बैठ गया। अच्छा अच्छा, भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है, पीछे बैठ जाना दोस्त। आ जा। हाँ क्यों नहीं, कम से कम एक गाड़ी में तो है हम लोग। उम्मीद नहीं छोड़ता मैंने। अरे क्या हो गया? अरे बेटे बेटे पूरा शरीर अकड़ गया। इतने लंबे सफर में यही होता है यार, क्या अरे फ्रीडी, अरे फ्रीडी, अरे फ्रीडी कैसा है तू? बहुत सालों बाद आया। मौसम अच्छा है ना? काफी शांति है यहाँ पे। शांति तो बहुत है यहाँ। नहीं नहीं मतलब वो फ्रेडी को काफी प्यार करते हैं लोग यहाँ पे। फ्रेडी मेरा बच्चा क्या? आंटी, आंटी कैसी है? आंटी कैसे तू? एकदम फर्स्ट क्लास। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई, जब से तुमने खबर भिजवाई थी ना बस मेरी नजर यहीं पे लगी हुई थी। अरे अच्छा आप लोग सब आ गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगा था मैं कभी अपनी फर्जी शक्ल देख भी पाऊंगी या नहीं। वो क्या है कि इसमें फ्रेडी की कोई गलती नहीं, हम लोगों का काम ही ऐसा है, हमें कहीं जाना ही नहीं मिलता। अरे सीआईडी वाले आ गए हमारे गांव में, हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। अरे आसपास के गांव वाले तो जल के राख हो गए भाई। आंटी खड़े खड़े यही पे बातें करती रहोगी, हम लोग सब थक गए घर पे चलते हैं। यार हमें भी बहुत भूख लगी। अरे चलो खाना तैयार है। चलो साहब कल मेरे खेत पे भूमि पूजन है, अगर आप सब लोग वहाँ पधारेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल की कल देखी जाएगी, अभी सबको आराम करने दे। चलिए चलिए सब लोग मच्छी बनाइए बेटा। अरे वाह वाह वाह, आइए। और किसी और भाई वाह, क्या मजा आ गया। गांव की मच्छी खाकर तबीयत हरी हो गई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आंटी के हाथ का बैंगन का भरता खाओगे तो उंगलियां चटते रह जाओगे। अबे यार फ्रेडी तो फिर आंटी के हाथ का बैंगन का भरता खिलवा देता, हमें उंगलियां चाटने का मौका तो मिल जाता। अरे डॉक्टर साहब ये बैंगन का भरता कल के लिए छोड़ो, अभी थोड़ा सेहत का ध्यान रखो, खाना खाने के बाद टहलने से सेहत अच्छी रहती है। क्यों तारिका जी? ओ हाँ, अरे तारिका जी क्या कर रही हैं आप, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जाइए जाइए। नहीं नहीं मैं सबके लिए कह रहा। अरे मुझे शामिल मत करो भाई, मैं तो जरा सोने भर गया मेरा, अब मुझे नींद आ रही है। अब सोने के अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, सिर्फ बिस्तर दिख रहा है मुझे। हाँ मैं चला सोने, तुम लोग जाओ टहल के आओ। और फ्रेडी तुम्हारे आंटी का बैंगन का भरता नींद में बहुत सताएगा यार। यार इसको सोते सोते नहीं देंगे। क्या हुआ है? मेरे आते ही सब लोग चुप हो गए, क्यों सुनेंगे? क्या कर रहा है? क्या हुआ? चुप नहीं होंगे तो क्या करेंगे भाई,
तुम गब्बर सिंह वाली एंट्री लेते हो यार, छुपी होंगे ना। अच्छा ये देखो बॉस, लाइट भी मेरी गवाही दे रही है, डर के भाग गई तुमसे। समझ के तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? अभिजीत जरा इसे समझाओ, इसकी छुट्टी मैंने सैंक्शन की है, अभी के अभी वापस भेज दूंगा, वो भी अकेले, समझा? यार प्रद्युमन ये गलत बात है यार, तुम हमेशा ए, कौने बा? अबे कौन था? तारी सर कोई तो था यहाँ। अरे इतनी रात को यहाँ कौन होगा? वहाँ उस खिड़की के पास खड़ा था सर। कंचा? यहाँ पे कोई था सर? कंचा है मतलब कोई बच्चा ही होगा सर। कल्लन अभी वो लोग कुदाल खुदाई शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 खोदो। अरे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, तुम लोग भी खुदाई करो। अच्छा है ना? मस्त है। अब जी लेकिन हम लोग बिना बताए इस तरह वॉक पर आ गए, क्या सोचेंगे बाकी लोग हमारे बारे में? अरे यार जो लोग सोचते हैं सोचने दो, तुम क्या सोचती हो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्या मैं कुछ समझी नहीं? यार यही तो प्रॉब्लम है, कभी कुछ समझती नहीं है। कुछ कहा तुमने? नहीं मैं कह रहा था कि मैं कौन सा गाना गाऊं। अरे वाह अचानक गाने का मूड, क्या बात है। अचानक क्या, देखो ना ये माहौल, ये जगह, साथ में तुम हो, मैं सर भी नहीं है तो अब गाना नहीं गाऊंगा तो कब गाऊंगा है? वो तो है। वो होता ना फिल्मों में जैसे हीरो हर बात गा के सुनाता है वैसे। अरे हाँ मतलब गा के सुनाता है, कभी 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 बोल भी देता है। क्या बात, तो सुनो क्या गाता है या फिर क्या बोलता है? वो होता है ना फूल का, संभाल के तारीख संभाल के, वो फूल की बात होती है। फूल? हाँ फूल, मतलब वो जो होता है ना वो बागों में बहार है। बाग? हाँ लेकिन बाग कहाँ यहाँ पर, यहाँ पर सब खेत ही खेत है, वो भी कटे हुए। अरे यार कुछ समझती नहीं है। चलो खेती सही, खेतों में बहार है। हाँ? पौधों में निखार है। हाँ? बारिशों की फुहार है। बारिश कहाँ है बारिश यहाँ पर? अरे यार ये गांव है, कभी भी हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड। चलो ठीक है। पौधों में जवार है। तुमको मुझसे क्या, तुमको मुझसे क्या? तुमको मुझसे वो मुझे चीखने की आवाज सुनी? कोई चीखा है? गलत टाइम पे चीखा है, इधर से आवाज आई। अरे यहाँ तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है। अरे तुम लोग सब खाम खान डर रहे हो, किसी ने खोपड़ी गाड़ दिया तुम टोना टोटा कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि इंसान की खोपड़ी मिली है? अरे इंसान की खोपड़ी मिली है तो क्या कोई गाड़ गया होगा यार, सब डर के भाग रहे हैं। अरे जरूर कुछ होने वाला है। क्या हुआ? अरे खोपड़ी खोपड़ी सर, खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी। क्या बात है यार, कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है गाँव की मिट्टी। मुझे यहाँ कोई खुशबू नहीं आ रही है, मुझे बदबू आ रही है। बदबू? बदबू? हाँ। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। सारंगी जरा हवा में सूंघ ले, चारों तरफ सूंघ ले हवा में, सूंघ ले। अरे हाँ यार प्रद्युमन, बस बदबू तो आ रही है, मुझे लगता है कोई जानवर मर गया।
इंसान के, किसी जानवर की बदबू नहीं है, तो किसी इंसान की लाश है। क्या है? कटी हुई लाश किसी औरत की। कर क्या रहा है? ए बच्चे, क्या कर रहा है तू? ए रुक, रुक जा। ए रुक जा। बस क्या हुआ सारुण खे? उसी लाश का बाकी हिस्सा। हाँ बस, कपड़े भी सेम है। वही है, लेकिन लाश का सिर नहीं है। है कहाँ इस लाश का सिर? ऐसे बचाओ, ऐसे बचाओ। अरे आंटी के, आप यहाँ पे? एसीपी साहब को एक बात बतानी जरूरी है। कहाँ है एसीपी साहब? क्या हुआ? अंदर दया सो रहा है। धीरे धीरे, क्या जरूरी बात है मुझे बताओ। नहीं, मैं एसीपी साहब को ही बताऊंगी। अरे बुलाओ ना उन्हें। आंटी जी, एसीपी साहब भी सारी जरूरी बातें सबसे पहले मुझे बताते। क्या पूछो इससे? पता है, वो लल्लन के खेत में भूमि पूजन हो रहा था ना, वहाँ पे क्या हुआ? ज्यादा लड्डू बट गए क्या? अरे नहीं, लड्डू बांटने का तो टाइम ही नहीं मिला। जमीन में से खजाना निकला? हाँ हाँ, क्या निकला? अरे खोपड़ी। खोपड़ी? किसकी खोपड़ी? अरे हाथ में की और किसकी? बुलाओ ना तुम्हारे एसीपी साहब को और पता लगाओ कि ये खोपड़ी है किसकी। आंटी, ये टीम विन तो बस दिखाने के लिए है। सारा काम तो मैं ही करता हूँ। क्या कह रहे हो? ये सब नाम के सीआईडी वाले हैं। जब तक मैं किसी केस में हाथ नहीं डालता हूँ, तब तक कुछ नहीं होता है। ऐसी बात है? काम मैं करता हूँ, नाम इनका आता है। बेटे, तू इतना होशियार हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कैसे सुनोगी आंटी, तुम गांव में रहती हो ना। अखबार वगैरह तो पढ़ती नहीं हूँ। ये बड़ी बड़ी फोटो छपती है मेरी अखबारों में। अरे वाह, तो गुनहगार कांपते होंगे तुम्हारे नाम से। कांपते? पसीने छूट जाते उनके। तुम ये सारी बातें किसी को मत बताना। क्यों? क्या है, ये सब बेचारे छुट्टियां मनाने आए हैं, परेशान हो जाएंगे। पूर्वी, तुम चलो मेरे साथ। ओके सर। ये गांव वाला तो कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सबके सब डरे हुए हैं। मगर अब जी, पता लगाना तो पड़ेगा ना। खून का मामला है ये। क्या खून का? तुमको पता चल गया ये खून का मामला है? हाँ, ये देखो, इसकी खोपड़ी पे ये चोट के निशान, सिर पर वार किया किसी ने। ये बात है। तारिका, एक काम करते हैं, ये केस हम लोग खुद सॉल्व करते हैं, बाकी टीम वालों को नहीं बताते, क्योंकि
उनकी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। सही कह रहे। एक बात बता, ये खोपड़ी आदमी की है या औरत की? ये बात तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक बात बता सकती हूँ। क्या? ये इसके सिर पे जो जॉइंट है ना, सैजरल सूचर और कोरोनल सूचर, इससे ये पता चलता है कि इसकी उम्र करीब 25 से 30 साल की होगी। 25 से 30 साल की? क्या हुआ? कुछ मिला क्या खोपड़ी के अंदर? आपके पास अभी कुछ नुकीली चीज है, ट्वीजर वगैरह कुछ भी? ट्वीजर कहाँ से आएगी, लैब थोड़ी ना साथ में लेके चल रहा हूँ सर। नहीं मतलब सुबह टहलने निकले थे। मेरा मतलब है कुछ भी पॉइंटेड देखो ना आसपास कहीं। नुकीली नुकीली चीज? ये इससे काम चलेगा? हाँ चलेगा। ये तो खाल है। और ये ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 8-10 दिन पुरानी होगी। 8-10 दिन पुरानी? मतलब 8-10 दिन पहले ये आदमी मरा है या मरी है? लेकिन 8-10 दिन में इसके सर के बाल और इसकी खाल गायब कैसे हो सकती है? ये गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। सर, ये पुलिस स्टेशन ही है ना? हाँ, क्यों? सर, ना ही कोई पुलिस वाला है और ना ही कोई कैदी। पूर्वी, ये मेरा गांव है, मेरा। यहाँ पे क्या हुआ सर? चुप जाओ। चुप जाओ? क्यों? मैं कहता हूँ चुप जाओ, जल्दी। दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? आप लोगों का बहुत नाम सुना है सर, आपको यहां देखकर अच्छा लगा। सर, आपकी टीम में फ्रेडी भी तो है, वो तो इसी गांव से। बहुत नाम रोशन किया उन्होंने इस गांव का। मतलब सर, आपका यहां इस चौकी पर आना कैसे हुआ? दरअसल मैं ये जानने आया हूं कि पिछले कुछ दिनों में इस गांव से ये आसपास के इलाके से कोई गायब हुआ था। यही तो मैं पूछने आया था। 7 दिन पहले कल्लन ने अपने बीबी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। कल्लन ने रिपोर्ट लिखवाई थी? जी सर। आप किसे ढूंढ रहे इधर उधर? नहीं, वो मेरे कुछ साथी यहाँ पे आए हुए थे, कहीं दिख नहीं रहे। फ्रेडी कहाँ है? इन कीड़ों को देखकर तू बता सकता है ना कि लाश 8-10 दिन पुरानी है बॉस, और इस लाश पर चोट के निशान भी। मारा पीटा शायद। सांगे क्या? चुप जा, चुप जा। अरे हम क्यों चुप जाएं यार, हमने थोड़ा ना खून किया। चुप जा। अबे यार, अमजीत और तारिका इस तरफ आ रही है। हाँ, अरे तारिका अमजीत के साथ क्यों घूम रही है यार? एक काम कर, तू छुप जा, लाश को भी छुपा दे, मैं उनको रोकता हूं। अरे सर, आप यहाँ पे? हाँ, वो सारुंखे के साथ घूमने निकला था। यहाँ उसे हड्डी खोपड़ियां मिलती नहीं है, तो पत्थर इकट्ठे कर रहा है वो, देखो घर ले जाने के लिए। सर, आपको यहाँ से बदबू नहीं आ रही क्या? हाँ, बदबू आ रही ना, वो पास में एक भैंसा मरा हुआ है ना, उसकी बदबू आ रही। हाँ, और ये भैंसे का पोस्टमार्टम करने निकला था, मैंने रोक लिया इसे अभी बस। तुम लोग घर आ रहे हो ना? घर? हाँ, घर ही जा रहे थे। हाँ तो चलो ना मेरे साथ, हाल तू इधर से उधर घूमती रहती हो, चलो आ जाओ।
बार सब ठीक है? लगता तो है। चल चलते हैं। आराम से सुनो, एसी पे से जाग नहीं रहे ना, तुम्हें ढूंढने के तो नहीं? अरे इस समय कौन जागेगा? अगर किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कि दोनों रोमांटिक हो गए हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। अभिजीत सर और तारिका जी अपने कमरे में नहीं? उर्फी तू भी ना? अरे छुट्टियां मनाने मेरे गांव में आए हैं, गए होंगे कहीं घूमने के लिए। इतनी रात गए? नहीं फ्रेडी, घूमने नहीं गए होंगे, कुछ और ही चक्कर लगता है। चलो चल के देखते हैं। सारुंखे देख, लाश को हम कमरे में लेकर चलते हैं। लाइट लगा के देखते हैं एग्जैक्टली कब। सारुंखे आजा, चुप जा। याद है ना कहाँ पे रखा था? यहीं पे ही कहीं रखा था मैंने, मेरे ख्याल से वहां पे। हाँ एक मिनट, तैयार है, चुप जा। सारुखी ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, हमने तुम्हें यहाँ पे आते हुए देखा है। अभिजीत, ये क्या? तो तारिका जी का स्कार्फ है। तारिका का स्कार्फ निकालो। की खोपड़ी तो देखो अंदर क्या। दे संभल के, संभल के। सर सर आप दया, उसके अंदर पूरी लाश छुपाई गई है। हाँ संभल के निकाल। संभल के पंखे। कहीं ये खोपड़ी जो हमें मिली थी इसी लाश की तो नहीं है? ये हो क्या रहा है? सब लोग छुट्टियां मनाने मेरे गांव में आए थे और ये। रेडी, अब हम सब की छुट्टियां खत्म, तहकीकात शुरू। बहुत से लाश के टुकड़े एक ही औरत के, और फिर खूनी ने इस औरत के तीन टुकड़े किए और फिर अलग अलग जगहों पर छुपाने की कोशिश की। पर सर, स्कल के ऊपर की खाल क्यों साफ कर दी? पहचान छुपाने के लिए, और क्या। और पहचान छुपाने का काम कल नहीं कर सकता सर, इस लाश की खोपड़ी उसी के खेत में मिली। दया, इस लाश के बाकी टुकड़े भी उसी के ही खेत में मिले थे। और सर, कल्लन ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में अपनी तीसरी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट भी तो लिखवाई थी। रिपोर्ट तो सिर्फ नाम की है ताकि किसी को शक ना हो। अपनी बीवी का खून करके लाश खेत में गाड़ दी और खबर फैला दी कि बीवी गायब है। ये खून इस कल्लन ने ही किया है। मगर सर वो बच्चा कौन? दया, वो बच्चा कोई भी हो, हमें इस लाश के बारे में बताना चाहता है। ए, कौन है वहां?
हिम्मत है? सालुंखे, सालुंखे, दया, प्रतुमान, हाँ सालुंखे, क्या हुआ? बॉस किसी ने लाश को चुराने की कोशिश की है। मैंने पकड़ा तो मुझे धक्का देकर के इधर से भागा वो। कौन था वो? देखा तुमने उसे? नहीं बॉस, चेहरा तो नहीं देख पाया, मास्क पहन रखा था उसने। लेकिन वो लाश को चुराने की कोशिश क्यों कर रहा था? निकल गया सर, अंधेरे का फायदा उठा के निकल गया। खूनी था वो, सबूत गायब करना चाहता था। बॉस एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या? खूनी ने पहले इस औरत को मारा है, उसके बाद इसकी लाश के टुकड़े किए। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? मैं सिर्फ ये बात कह नहीं रहा हूँ दया, मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। फ्रेडी, खूनी ने खून करके इस लाश की कोपड़ी एक केमिकल में डुबो दी थी। हैं? ये कैसे कह सकते सर? अबे 14 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर सालुखे को, 14 साल का, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। और देखो बाकी की बात ये पेपर हमें बता देगा। ये देख, पेपर का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब साफ है बॉस, वो खतरनाक केमिकल अभी भी इस खोपड़ी पर लगा हुआ है। खून करने के बाद भी लाश के साथ इतनी बुरी हरकत? होते हैं कुछ लोग ऐसे भी फ्रेडी। सर, सर हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन है वो बहुत ही छोटी है और काफी दिन से बंद पड़ी। ओह नो। अरे अरे यार, ये लाइट भी गई। बुरी खबर के साथ साथ एक और टेंशन। हाँ यार, और ये टेंशन का कुछ भरोसा भी नहीं है। गांव में कभी कभी दो दो दिन तक बिजली आती नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बॉस, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल सीआईडी की इज्जत का सवाल है यार। हाँ मगर करेंगे कैसे? सबसे पहले तो बिजली बनाएंगे और फिर एक्सरे निकालेंगे। आप बिजली बनाएंगे? हाँ। मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं फ्रेडी, बिल्कुल मजाक नहीं। तुम एक काम करो, एक साइकिल के पंप का इंतजाम करो, गांव में होगा किसी न किसी के पास। और हाँ, बहुत सारे सेलो टेप्स के बंडल भी लेके आओ और एक छोटा सा पहिया भी लेके आओ, ठीक है? और तुम पूर्वी, मेरे बैग में एक पोलराइड कैमरा है, उसे लेके आओ। सर, कौन है वो औरत जिसका खून किया तुमने? खून? कैसा खून? मैंने कोई खून नहीं किया। लाश के सारे टुकड़े तुम्हारे खेत में से मिले, कहाँ से आए? उसे ने मुझे फंसाने के लिए मेरे खेत में लाश गाड़ दिया होगा। अच्छा, बीवी गायब है ना तुम्हारी? हाँ या ना? हाँ गायब है, लेकिन मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। कहाँ पे मारा उसे, सच सच बताओ। सब सब मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है, वो तो घर से भाग गई थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं उसने। दया, इसकी सभी बीवियों को बीमारी सी हो गई थी घर छोड़कर भाग जाने की, है ना? इसीलिए इस बेचारी को मारकर गाड़ दिया ताकि वो अपना मुंह नहीं खोल सके। मैंने नहीं मारा सर। तो फिर झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? लिखवाई या नहीं? कौन सी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? दया, गायब होने की रिपोर्ट झूठी है ना, क्यों लिखवाई तुमने? बट झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी या नहीं? हो सकता मैंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। क्यों मारा तुमने अपनी बीवी को? मैंने अपने बीवी को नहीं मारा। तो फिर रिपोर्ट क्यों लिखवाई गायब होने की? तो मैं क्या करता साहब, मेरी बीवी भाग गई थी, गांव में अपनी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी ना। लाश किसकी थी जो तुम्हारे खेत से मिली? साहब मेरी बात मान, इन सब के पीछे ना माधव का हाथ है। माधव का नाम पहले तो नहीं आया, ये माधव बीच में कहां से आया? माधव गुंडा है साहब, गांव के सभी लोग उससे डरते हैं, मेरा इन दिनों उससे झगड़ा चल रहा है जमीन के मामले को लेकर के। माधव के साथ जमीन को लेकर झगड़ा? सर उस लड़के के बारे में पता चल गया सर, उसका नाम भैरव है, माधव का भतीजा। माधव का भतीजा? हाँ सर, बेचारा गूंगा है, बोल नहीं सकता, अनाथ भी है। माधव उसका ठीक तरह से ध्यान नहीं रखता, इसीलिए वो गांव में इधर उधर भटकता रहता है। दया, जरूर उस बच्चे ने कुछ तो देखा है, और हमको
कुछ बताना चाहता था। इस माधव से पूछताछ करते हैं, माधव बताएगा। और तुम कल्लन गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? हाँ माधव, सच सच बता, कौन है वो औरत जिसका खून किया तुमने? सर मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। किसी का खून नहीं किया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। और गुंगा बच्चा फैरो, उसकी देखभाल क्यों नहीं करते हो तुम? सर वो बच्चा नहीं है, बहुत शैतान है। हाँ मगर भतीजा तो तुम्हारा ही है ना? नहीं साहब, वो मेरा सगा भतीजा नहीं है। सगा नहीं तो क्या हुआ, तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे लावारिसों की तरह? सर मैंने उसे छोड़ा नहीं है, काफी दिनों से वो गायब है, मैंने बहुत ढूंढा मगर वो मिल ही नहीं रहा। चुप, डर डर के भटक रहा है वो गाँव में इधर उधर, और तुम कह रहे हो तुम्हें मिला नहीं? सर मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की थी, अब नहीं मिला तो मैं क्या करूं? ये देखो, क्या बात है सड़के, तूने तो जादू दिखा दिया। ये देखो बस, ये हड्डियां जगह जगह से टूट गई हैं। मतलब मरने से पहले से टॉर्चर किया गया था। बेचारे को लाठी और डंडों से मार मार कर अपाहिज बना दिया होगा ताकि वो कहीं भाग न सके। सर जहां से हमें खोपड़ी मिली थी वहां से ये मोबाइल मिला है सर। बैटरी डाउन है। सर बैटरी डाउन है तो पता कैसे चलेगा कि ये मोबाइल किसका है? पूरी जरा तुम्हारे मोबाइल की बैटरी देना। सर ये बैटरी लगेगी? लग गया सर। गुड। सर इस फोन मेमोरी में सिर्फ चार नंबर थे और इसमें से एक नंबर पे कई बार फोन किया गया है। अच्छा तो पता लगा वो एक नंबर है किसका? सर हाँ। हेलो। ओके ठीक है सर, ये नंबर किसी सूरज नाम के आदमी का है। सूरज? तो इस सूरज की पूरी कुंडली निकालो। सर ये देखिए, घसीटने का निशान, किसी को घसीट के ले जाया गया यहाँ से। हाँ मतलब दया, मुझे लगता है जरूर यहां से कोई हमें देख रहा था, मगर कौन? कंचा? कहीं वो छोटा लड़का तो नहीं जो हमें घर में देख रहा था? भैरव? हाँ हाँ भैरव हो सकता है। ये देखिए सर, ये बच्चा हमारे लिए निशान छोड़ते जा रहा है। ये रास्ता तो गांव की तरफ जा रहा है। या तो कोई कंचे नहीं है सर? ढूंढो अच्छी तरह से, देखो देखो कहीं पर है क्या और कंचे। सर कंचे सिर्फ यहीं तक है। सर इस तरफ भी कंचे नहीं है सर। सर इस तरफ भी नहीं। दया खूनी ने उसे यहीं पर कहीं रखा है, इसी किसी घर में छुपा के रखा है उसने। एक एक घर को अच्छी तरह से ढूंढो।
बेवकूफ समझता तो? नहीं। बच्चे पे हाथ उठाएगा? तुमने ही अपनी बीवी महुआ का खून किया ना? क्यों? हाँ सर। बड़े नाम का काम किया है बीवी का खून करके, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी उसी को मार डाला। क्यों किया खून? मैंने सिर्फ उसे जमीन के लिए शादी की थी, वो नहीं मिला तो मैंने उसे मार दिया। कौन सी जमीन? उसके भाई के पास एक जमीन का टुकड़ा था, करोड़ों रुपए का। जमीन के टुकड़े के लिए तुमने खून किया अपनी बीवी का? खून किया इसने, लाश के टुकड़े गाड़ दिए कल्लन के खेत में। और इस बच्चे भैरव ने तुझे देख लिया खून करते हुए, है ना? गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए भगवान ही भेजता है फांसी का फंदा, समझे? अब ये बच्चा ही है तुम्हारे फांसी का फंदा, सड़ते बैठना जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।